श्याम सुंदर के भजन को फल है श्री राधा रानी को भजन, श्री किशोरी जी के भजन को फल है ब्रजवासी और रसिक जनन को भजन, और ब्रजवासी और रसिक जनन के भजन को फल है वृंदावन को भजन, वृंदावन को स्मरण। किशोरी जी कृपा करती हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, ब्रजवासी कृपा करते हैं, रसिक जन कृपा करते हैं, यमुना जी कृपा करती हैं, ये सब जब कृपा करते हैं तब वृंदावन प्रिय लगता है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में रहने वाले रसिक जन रोज मंदिर जाते हैं, नहीं, ठीक है किसी किसी का नियम है रोज मंदिर जाना है, पर जब भजन परिपक्व हो जाता है वृंदावन समझ में आने लग जाता है तो वो इस भेद को समझ जाते हैं कि भाई श्यामा श्याम केवल मंदिर में थोड़ी बैठे हैं, हम जब वृंदावन में बैठे हैं ये पूरा वृंदावन ही श्यामा श्याम को स्वरूप है। वृंदावन को समझनो, वृंदावन को भजनो। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन कब समझ में आएगा, तब कहते हैं कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, इसको मनगणन बात मत समझना। हरिराम व्यास जी भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे किसी समय पर, उनके आगे कोई विद्वान अपनी विद्वत्ता दिखा नहीं पाता था। वही हरिराम व्यास जी जब काशी गए, बनारस गए, वहां के विद्वानों को हराने के लिए,